गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, पिछले क्लास में हम लोग इकोलॉजी और इकोसिस्टम को लेके चैप्टर स्टार्ट किए थे, है ना। तो कहाँ तक पढ़ाई हुआ था? हमको जहाँ तक लगता है कि हम लोग फूड चेन, फूड वेव, मतलब आहार श्रृंखला और आहार जाल, यहाँ तक हम जहाँ तक हमको याद है यहाँ तक शायद हम लोग को कम्प्लीट हुआ था। आप लोग थोड़ा चेक करके बताइए हमको। अच्छा, तो आज के क्लास में हम लोग पहले जिस विषय को लेके डिस्कशन करेंगे वो है पारितंत्र में ऊर्जा की प्रवाह। तो आप लोग एक हेडिंग कर लीजिए, पारितंत्र में ऊर्जा की प्रवाह, एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम। पारितंत्र में ऊर्जा की प्रवाह या फिर एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम। अच्छा, तो अगर हम लोग दुनिया का कोई भी पारितंत्र या फिर इकोसिस्टम को देखेंगे तो वहाँ हम लोग आहार श्रृंखलाएं और आहार जालों को देख पाएंगे। तो ये जो आहार श्रृंखला और आहार जालिकाएं उपस्थित हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि एक प्राकृतिक पारितंत्र में एक प्राणी का साथ दूसरी प्राणी का सिर्फ खाद्य और खादक का संपर्क है। एक प्राणी का साथ दूसरी प्राणी का सिर्फ खाद्य और खादक का संपर्क है। तो ये जो खाद्य और खादक का संपर्क है, इस संपर्क का उद्देश्य यही है ताकि पारितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर तक ऊर्जा की प्रवाह चलता रहे। तो ये जो ऊर्जा की प्रवाह, एक पारितंत्र में जो ऊर्जा की प्रवाह है, इस प्रवाह का कुछ चारित्रिक वैशिष्ट्य है। तो इन चारित्रिक वैशिष्ट्यों को हम लोग पहले थोड़ा समझ लेते हैं। पहली बात तो ये समझना है कि दुनिया का कोई भी पारितंत्र हो उसका जो ऊर्जा का प्रधान सोर्स है वो है सूर्य की प्रकाश। तो द सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम्स। तो दुनिया की कोई भी प्राकृतिक पारितंत्र हो तो उसका जो मतलब ऊर्जा की प्रधान सोर्स वो है सूर्य की प्रकाश। यह है पहला नंबर। दूसरा नंबर, पारितंत्र में ऊर्जा की प्रवाह सर्वदा एकमुखी होती है। पारितंत्र में ऊर्जा की प्रवाह सर्वदा एकमुखी होती है। जैसे उत्पादक से उपभोक्ता, हाँ, पहली स्तर की उपभोक्ता, फिर दूसरी स्तर की उपभोक्ता, फिर तीसरी स्तर की उपभोक्ता, और जो ऊर्जा एक बार एक पौषी स्तर से दूसरी पौषी स्तर तक पहुँच जाए वो वापस नहीं आ पाती है। तो पारितंत्र में ऊर्जा की प्रवाह सर्वदा एकमुखी होती है। तीसरी वैशिष्ट्य यही है कि पारितंत्र में जो ऊर्जा की प्रवाह है ये ताप गतिविद्या या फिर जिसको हम लोग इंग्लिश में थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, उसकी कुछ सूत्रों को, पर्टिकुलरली पहले एवं द्वितीय सूत्रों को मानकर होती है। तो ये भी याद रखना है कि पारितंत्र में जो ऊर्जा की प्रवाह है वो प्रवाह ताप गतिविद्या की पहली और द्वितीय सूत्र को मानकर होती है। और अल्टीमेटली और एक चरित्र है पारितंत्र में ऊर्जा की प्रवाह की, कि जब भी ऊर्जा की प्रवाह एक पौषी स्तर से दूसरी पौषी स्तर तक होती है उसका परिमाण घट जाता है। तो ये है वास्तुतंत्र में और या फिर पारितंत्र में ऊर्जा की प्रवाह की कुछ चरित्रिक कुछ वैशिष्टताएँ। तो पहला वैशिष्टता क्या थी? ये कि दुनिया की कोई भी प्राकृतिक पारितंत्र हो उसकी ऊर्जा की जो सोर्स है वो है सूर्य की प्रकाश। दूसरी, पारितंत्र में ऊर्जा की प्रवाह हमेशा एकमुखी होती है, और अगर एक पौषी स्तर से दूसरी पौषी स्तर तक ऊर्जा की प्रवाह हो जाती है तो वो ऊर्जा वापस नहीं आ सकती है। तीसरी, हम लोग जब भी पढ़ें कि ऊर्जा की प्रवाह पारितंत्र में ताप गतिविद्या या फिर थर्मोडायनामिक्स की सूत्रों को मानकर होती है। और चौथा, जब भी एक पौषी स्तर से
दूसरी पौष्टिक स्तर तक ऊर्जा की प्रवाह होती है तो वो ऊर्जा घट जाता है, वो ऊर्जा का परिमाण घट जाता है। तो ये कुछ वैशिष्टताएँ आपको याद रखना है। तो इसके बाद हम लोग ताप गतिविद्या या फिर थर्मोडायनामिक्स के बारे में कुछ डिस्कशंस कर लेते हैं। थर्मोडायनामिक्स या फिर ताप गतिविद्या ये विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो ताप की प्रवाह को लेके विस्तार से आलोचना करती है। तो व्हाट इज़ थर्मोडायनामिक्स? थर्मोडायनामिक्स या फिर ताप गतिविद्या एक विज्ञान की ऐसी शाखा है जो ताप की प्रवाह को लेके विस्तार से आलोचना करती है। और थर्मोडायनामिक्स के दो सूत्रों को हम लोगों को एग्ज़ाम के लिए याद रखना है, वो है पहली सूत्र और द्वितीय सूत्र। पहली सूत्र या फिर जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वो यही बोलती है कि ऊर्जा की सृष्टि या फिर विनाश संभव नहीं है। ऊर्जा की सृष्टि या फिर विनाश संभव नहीं है, लेकिन ऊर्जा को हम लोग रूपांतरण कर सकते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स का पहली सूत्र क्या है? पहले सूत्र यही कहती है कि ऊर्जा की सृष्टि या फिर विनाश संभव नहीं है, लेकिन ऊर्जा का रूपांतरण संभव है, एक रूप से दूसरे रूप तक रूपांतरण संभव है। जैसे सोचिए कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, जब भी उसको काम में लगा के हम लोग कोई लाइट जलाते हैं, तो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में रूपांतरित कर रहे हैं। मतलब हम लोग ऊर्जा को सृष्टि नहीं कर सकते हैं, उसका विनाश भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसके इस्तेमाल के दौरान हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप तक रूपांतरण ज़रूर कर सकते हैं। तो यही है थर्मोडायनामिक्स या फिर ताप गतिविद्या की पहली सूत्र। अच्छा, दूसरा जो सूत्र वो भी याद रखना है कि जब भी ऊर्जा की रूपांतरण होती है, हाँ, व्हेनेवर एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, जब भी ऊर्जा की रूपांतरण होती है, कुछ परिमाण ऊर्जा ताप की आकार में मतलब प्रवाह हो जाती है, जिसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो जब भी ऊर्जा की रूपांतरण होती है, कुछ परिमाण ऊर्जा ताप के आकार में उसका प्रवाह हो जाता है और उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो ये हो गया आपका थर्मोडायनामिक्स का द्वितीय सूत्र। तो थर्मोडायनामिक्स का पहला सूत्र क्या था? थर्मोडायनामिक्स का पहला सूत्र यही कह रहा था कि ऊर्जा की सृष्टि या फिर विनाश दोनों ही संभव नहीं है, सिर्फ रूपांतरण संभव है। नंबर टू, दूसरी सूत्र क्या बोल रहा है कि जब भी ऊर्जा की रूपांतरण हो रही है तो कुछ परिमाण ऊर्जा ताप के आकार में उसकी प्रवाह हो जाती है, वो वेस्ट हो जाती है और उसको हम लोग इस्तेमाल या फिर काम में नहीं लगा सकते हैं। हाँ, तो यही चीज़ हम लोग पारितंत्र के जो आहार श्रृंखलाएं हैं उसमें भी हम लोग देख पाते हैं कि जब भी एक मतलब उपभोक्ता दूसरी उपभोक्ता को भक्षण करते हैं, कि जैसे सोचिए सांप मेंढक को खाती है, तो जितनी ऊर्जा मेंढक के पास था उसका सिर्फ 10% सांप के पास आएगा। अगर आप सोचिएगा कि मेंढक टिड्डी को खाती है, तो टिड्डी के पास जितनी ऊर्जा था उसका सिर्फ 10% मेंढक के पास आएगा, मेंढक के पास जितना ऊर्जा था उसका सिर्फ 10% सांप के पास आएगा। और सांप को अगर चील या फिर बाज भक्षण करते हैं, तो सांप के पास, सांप के शरीर में जितनी ऊर्जा थी उसकी सिर्फ 10% बाज के पास पहुंचेगी। तो इसे ही हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं द 10% लॉ। हम लिख दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए, द 10% लॉ। इट इज़ नोन एज द लिंडेमैन्स 10% लॉ, लिंडेमैन्स 10% लॉ। ये आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए, लिंडेमैन्स 10%, ये यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, लिंडेमैन्स 10% लॉ। लिंडेमैन्स 10% लॉ के अनुसार कोई भी खाद्य श्रृंखला में एक पौष्टिक स्तर से दूसरी पौष्टिक स्तर तक जब ऊर्जा की प्रवाह होती है,
तो पहले पोषी स्तर में जितनी ऊर्जा उपस्थित था उसका सिर्फ 10% ही दूसरी पोषी स्तर तक पहुंच पाएगा। ये हो गया आपका लिनेमैंस 10% लॉ। तो हम लोग तीन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें सीखे हैं। पहले हम लोग सीखे कि ताप गतिविद्या किसे कहते हैं। तो ताप गतिविद्या विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो आपका ताप की प्रवाह लेके विस्तार से आलोचना करती है। फिर हम लोग सीखें कि ताप गति विद्या या फिर थर्मोडायनामिक्स की दो सूत्र हैं। पहला सूत्र ये बोल रहा था कि ऊर्जा की सृष्टि या फिर विनाश दोनों ही संभव नहीं है, सिर्फ उसकी रूपांतरण संभव है। दूसरी यही बोल रहा था कि जब भी ऊर्जा की रूपांतरण होती है तभी कुछ परिमाण ऊर्जा ताप की आकार में बर्बाद हो जाती है, जिसको हम लोग कुछ काम में लगा नहीं पाते हैं। ये हो गया आपका ऊर्जा की द्वितीय सूत्र। और इसके बाद हम लोग सीखे लिनेमैंस 10% लॉ। लिनेमैंस 10% लॉ क्या बोल रहा था कि जब भी ऊर्जा की प्रवाह एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर तक होती है तो पहला पोषी स्तर में जितनी ऊर्जा थी उसका सिर्फ 10% अगली पोषी स्तर तक प्रवाहित होगा। तो यह याद रखना है। तो लिनेमैंस 10% लॉ के अनुसार जब भी ऊर्जा की प्रवाह होती है एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर तक, पहला पोषी स्तर में जितना परिमाण ऊर्जा थी उसका सिर्फ 10% अगला पोषी स्तर तक प्रवाह होगा। तो बाकी 90% कहाँ जाती है? बाकी 90% जाती है उस पोषी स्तर में जो पशुएं हैं, जो प्राणियां हैं, उनकी मेंटेनेंस के लिए, बाकी 90% चल जाती है। ठीक है, अच्छा आप लोग पहले कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखिए, डिस्कस द characteristics of energy flow. Discuss the characteristics of energy flow through an ecosystem. Discuss the characteristics of energy flow through an ecosystem. ठीक है, इसके बाद लिखिए व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स। फिर लिखिए स्टेट द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, अच्छा इसके बाद लिखिए स्टेट लिनेमैंस 10% लॉ। स्टेट लिनेमैंस 10% लॉ of energy flow. State Lindemann's 10% law of energy flow. ठीक है, State Lindemann's 10% law of energy flow. Okay. अच्छा तो ये हो गया आपका वास्तु पारितंत्र में या फिर इकोसिस्टम में शक्ति या फिर एनर्जी की प्रवाह। इसके बाद हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेके डिस्कशन करेंगे, वो है पोषक चक्र। आप लोग लिख लीजिए पोषक चक्र। या फिर जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल्स।
आप लोग इंग्लिश का टर्म भी नोट कर लीजिए, बायो जियो केमिकल साइकिल्स, बायो जियो केमिकल साइकिल्स, या फिर जिसको हम लोग हिंदी में बोल रहे हैं पोषक चक्र। अच्छा, तो पहले ये समझेंगे कि ये पोषक चक्र क्या है और ये पोषक चक्र की महत्व क्या है, पहले हम लोग इसे समझेंगे। अब देखिए, कोई भी पारितंत्र में जितने भी जीव हैं, वनस्पति हैं, उनको ज़िंदा रहने के लिए पोषक पदार्थों की प्रयोजन पड़ेंगे। उसको ज़िंदा रहने के लिए पोषक पदार्थों की प्रयोजन पड़ेंगे, पोषक मतलब न्यूट्रिएंट्स। और अगर एक परितंत्र में ये जो पौष्टिक पदार्थ हैं अगर ये एक चक्र के आकार में आवर्तित नहीं होंगे तो पारितंत्र में पौष्टिक पदार्थ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाएंगे। जैसे जो भी जीव पारितंत्र में उपस्थित है तो उसको हमेशा ही पौष्टिक पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाने के बाद अगर वो पौष्टिक पदार्थ उसकी शरीर से वापस पारितंत्र में वापस नहीं आया तो वो पौष्टिक पदार्थ आहिस्ता आहिस्ता पारितंत्र में ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग बैंक में जो हमारे अकाउंट है उस अकाउंट से लगातार पैसा निकालते जाएंगे और पैसे डालेंगे नहीं तो समस्या क्या होगी कि एक समय अकाउंट बिल्कुल खाली हो जाएगा, तब आप अकाउंट से पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो पारितंत्र भी एक ऐसे ही पौष्टिक पदार्थों की बैंक के माफिक हैं, जहाँ हम लोग देखेंगे कि तरह तरह की पौष्टिक पदार्थों की या एक आवर्तन या फिर चक्र के आकार में उसकी आवर्तन चलते रहती है। और ये जो पौष्टिक पदार्थ हैं ये दो तरह की होते हैं, ये दो तरह की होते हैं। जैसे कि एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं वृहद पोषक, और दूसरी है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। तो दो तरह की पोषक तत्व हैं, एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब बृहद पोषक, और दूसरी है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। तो बृहद पोषक मतलब जिन सारी पोषक पदार्थों की जीवों को बड़ी मात्रा में प्रयोजन होती है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर बृहद पोषक हम उस पौष्टिक पदार्थों को कहते हैं कि जिन्हें जीवों की बड़ी मात्रा में प्रयोजन या फिर ज़रूरत पड़ती है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब जिसको हम लोग सूक्ष्म पोषक कहते हैं, तो उसकी आवश्यकताएं बहुत ही कम मात्रा में जीवों को पड़ती हैं। तो इसीलिए, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं बहुत ही कम मात्रा में जीवों को पड़ती हैं, इसीलिए हम लोग उसे बोलते हैं कि आपको क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर सूक्ष्म पोषक तत्व। अब एग्जामिनेशन के लिए हम लोग जिन जिन पोषक चक्रों के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है, पहला तो है आपका जल चक्र, जिसको हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बन चक्र, फिर हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन चक्र। ये तीन पढ़ने से ही काम हो जाएगा, जल चक्र, कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र। अच्छा, तो ये जो पोषक चक्र जिसके बारे में हम लोग बार बार डिस्कशन कर रहे हैं, इस पोषक चक्र में होता क्या है? तो कोई भी पोषक चक्र में हम लोग यही देखेंगे कि कैसे पर्यावरण से वो पौष्टिक पदार्थ या फिर पौषी पदार्थ जीव के शरीर में प्रवेश करती है और वापस वो जीव के शरीर से वापस पर्यावरण में कैसे जाते हैं। तो इसी को लेके ये जो एक चक्र की रचना होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं पोषक चक्र। तो पोषक चक्र किसे कहेंगे? पोषक चक्र का अर्थ है कि पर्यावरण से कोई भी पौष्टिक या फिर पोषक पदार्थ जीव के शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं। वो जीव पशु भी हो सकते हैं, वो वनस्पति भी हो सकते हैं, वो कोई अनुजीव भी हो सकते हैं। तो पर्यावरण से कोई भी पोषक पदार्थ जीव के शरीर में कैसे प्रवेश करती है और फिर जीव के शरीर से वो वापस पर्यावरण में कैसे जाती है, उसे ही हम लोग बोलते हैं पोषक चक्र। और पोषक चक्र दो तरह की होते हैं, पोषक चक्र दो तरह की होते हैं, जैसे कि गैसीय चक्र और अवसादी चक्र। आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए, दो तरह की पोषक चक्र होती है, एक है गैसीय चक्र
और दूसरा है अवसादी चक्र। गैसीय चक्र हम लोग इंग्लिश में उसे बोलते हैं गैसियस साइकिल, और अवसादी चक्र को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। आप लोग थोड़ा टर्म्स नोट कर लीजिए, इंग्लिश का टर्म्स नोट कर लीजिए। तो पहला है गैसियस साइकिल, गैसियस एंड सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस तो आपको हिंदी का परिभाषा समझ में आ जाएगी, गैसीय चक्र, और सेडिमेंट्री अर्थात अवसादी चक्र, सेडिमेंट्री अर्थात अवसादी चक्र। अच्छा, तो इन दोनों शब्दों की मतलब हम लोग पहले समझेंगे कि गैसीय चक्र किसे कहते हैं और अवसादी चक्र किसे कहते हैं। अच्छा, तो गैसीय चक्र हम लोग उन्हीं सारी पोषक चक्रों को कहेंगे जिनमें भंडारण स्थल वायुमंडल अथवा जलमंडल होता है। तो गैसीय चक्र हम लोग किसे कहेंगे, जिन सारी पोषक चक्रों की भंडारण स्थल, हाँ, जिन सारी पोषक चक्रों की भंडारण स्थल आपका वायुमंडल या फिर जलमंडल में होता है, उसी को हम लोग बोलेंगे गैसीय साइकिल। और अवसादी चक्र किसे कहेंगे, तो जिनमें भंडारण स्थल पृथ्वी में होगी, उसी को हम लोग बोलेंगे सेडिमेंट्री साइकिल। तो गैसीय चक्र मतलब जिनका भंडारण स्थल वायुमंडल अथवा जलमंडल में होगी, उसको हम लोग गैसीय चक्र कहेंगे। और अवसादी चक्र हम लोग किसे कहेंगे, जिनका भंडारण स्थल पृथ्वी में होगी। तो गैसीय चक्र का एक उदाहरण हम लोग दे सकते हैं कि जैसे जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ये सारे हैं आपके गैसीय चक्र। और अवसादी चक्र हम लोग किसे कहेंगे, जैसे सल्फर चक्र, फिर हो गया आपका फास्फोरस चक्र या फिर कैल्शियम चक्र, इसे हम लोग बोलेंगे कि अवसादी चक्र। आप लोग इस साइकिल्स का नाम थोड़ा नोट कर लीजिए। तो गैसीय चक्र का उदाहरण क्या होगा, उदाहरण स्वरूप आप लिख सकते हैं जल चक्र, कार्बन चक्र या फिर नाइट्रोजन चक्र। और अवसादी चक्र के उदाहरण स्वरूप आप लिख सकते हैं सल्फर चक्र, फास्फोरस चक्र या फिर कैल्शियम चक्र। अच्छा, तो जल चक्र के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, वो आप लोग लोअर क्लास में पढ़े होंगे, जब आप लोग 11-12 में या फिर क्लास 9-10 में ज़रूर जल चक्र के बारे में पढ़े होंगे। तो जल चक्र आप लोग खुद पढ़ लेंगे, क्या पढ़ पाएंगे कि नहीं, जल चक्र आप लोग खुद से पढ़ पाएंगे कि नहीं। हाँ ठीक है, तो हम जल चक्र को छोड़ देते हैं, लेकिन हम कार्बन चक्र और आपका नाइट्रोजन चक्र, इन दोनों चक्रों के बारे में थोड़ा विस्तारित आलोचना ज़रूर करेंगे। अच्छा, तो पहला बात ये याद रखना है कि कोई भी पोषक चक्र के तीन गुरुत्वपूर्ण उपादान होते हैं, कोई भी पोषक चक्र की तीन महत्वपूर्ण उपादान होती है। एक है उस पर्टिकुलर जो पोषक पदार्थ है, उस पर्टिकुलर पोषक पदार्थ की एक सोर्स रहेगा कि जहाँ से वो पोषक पदार्थ तैयार होती है। फिर उस पोषक पदार्थ का एक रास्ता रहेगा, एक पाथवे रहेगा कि जिन रास्तों से वो पोषक पदार्थ जीव के शरीर में प्रवेश करती है। और तीसरा होगा कि वो पोषक पदार्थ की एक सिंक रहेगी कि जहाँ वो पोषक पदार्थ व्यवहृत हो जाती है। तो मतलब सोर्स से सिंक और फिर सिंक से वापस सोर्स तक इस पोषक पदार्थ की यात्रा को ही हम लोग बोलते हैं कि जीव भू रासायनिक चक्र, या फिर सरल भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं पोषक चक्र। तो कोई भी पोषक चक्र के तीन उपादान हैं, क्या, एक है वो पौष्टिक पदार्थ की एक सोर्स जहाँ से पौष्टिक पदार्थ उत्पन्न होती है, फिर उसका एक पाथवे रहेगी जिस पाथवे से पौष्टिक पदार्थ जीव के शरीर में प्रवेश करेंगे या फिर कहीं और जाएंगे, और अल्टीमेटली एक सिंक रहेगी जहाँ वो पौष्टिक पदार्थ आके जमा होते रहेंगे और फिर सिंक से वापस अपने सोर्स तक वो वापस चल जाएगा। तो मतलब सोर्स से एक निर्दिष्ट रास्ता पकड़ के सिंक तक, और सिंक से एक निर्दिष्ट रास्ता पकड़ के सोर्स तक, ये जो पोषक पदार्थ की यात्रा है, इसे ही हम लोग कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र या फिर बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो पहले हम लोग आलोचना करेंगे कार्बन चक्र के बारे में।
तो कार्बन चक्र किसे कहते हैं? जिस प्रक्रिया के दौरान हम लोग देखेंगे कि मौलिक जो कार्बन है वो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रूप में पर्यावरण से जीव के शरीर में प्रवेश करती है और फिर जीव के शरीर से वापस पर्यावरण में लौट जाती है, उसे ही हम लोग कहते हैं कार्बन चक्र। तो कार्बन चक्र मतलब कार्बन चक्र एक ऐसे पौष्टिक चक्र है जिस चक्र के दौरान मौलिक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप लेकर पर्यावरण से जीव के शरीर में प्रवेश करती है और फिर जीव के शरीर से वापस पर्यावरण में लौट जाती है। तो इस जो ये जो चक्र है इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बन चक्र। तो अब समझना है कि कार्बन चक्र काम कैसे करती है। तो पहले ही जैसे हम बोले थे कि कोई भी पोषक चक्र का एक महत्वपूर्ण उपादान है उस पौष्टिक पदार्थ की उत्स या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं सोर्स, कि वो कहाँ से तैयार होती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये तैयार इसका तैयार होने में दो तरह की सोर्सेज हैं, एक है प्राकृतिक सोर्स और दूसरी है मनुष्य द्वारा निर्मित सोर्स। तो पहले हम लोग प्राकृतिक सोर्स के बारे में थोड़ा जानकार बनेंगे कि प्राकृतिक कारणों के दौरान कैसे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होती है। तो पहला उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है वो है कि हम लोग जब सांस लेते हैं, हम लोग का जो रेस्पिरेशन प्रोसेस तो उस रेस्पिरेशन प्रोसेस या फिर सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज हैं, जो ग्लूकोज हमें खाद्य से मिलती है, उस ग्लूकोज को हम लोग तोड़ते हैं और उस ग्लूकोज को तोड़ने के दौरान हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो मतलब सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान हम लोग बहुत विपुल परिमाण में कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो दुनिया में जितनी भी हमारी जैसे प्राणी हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो हम लोग एक बहुत बड़े सोर्स हैं वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का। दूसरी सोर्स अगर आप सोचेंगे कि जब भी कोई वॉल्केनिक इरप्शन होती है, वॉल्केनो का हिंदी क्या है, अगर कोई लिख सकता है तो थोड़ा लिख दीजिए, वॉल्केनो का हिंदी अगर किसी को मालूम है तो थोड़ा लिख दीजिए चैट बॉक्स में। हाँ, ज्वालामुखी, वेरी गुड। अच्छा, तो जब भी कोई ज्वालामुखी का विस्फोट होती है तो ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान आप देखेंगे कि बहुत सारे पत्थर और गैस निकलते हैं, धुआं निकलता है, राख निकलता है। तो उस धुआं, राख, पत्थर के बीच से भी बहुत ज़्यादा परिमाण में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में भर जाता है। तो ज्वालामुखी भी एक बहुत बड़ी सोर्स है जिसके कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती है। तीसरी कारण हम लोग जिसे सोचेंगे वो है जो जंगल में प्राकृतिक कारणों से जो आग लग जाती है, जंगल में जिसको हम लोग फॉरेस्ट फायर कहते हैं, जंगल में प्राकृतिक कारणों के दौरान जो आग लगती है उससे भी जब भी ये वनस्पति जलते हैं, मृतक पशुओं के शरीर को जो दहन होती है उसके दौरान भी काफ़ी परिमाण कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में आ जाती है। और चौथी जो प्राकृतिक वियोजन प्रक्रिया है, जब भी कोई जीव की मौत होती है तो प्राकृतिक नियमों के अनुसार उसका ऊपर अनुजीव जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो वियोजक हैं, उसका शरीर को वो वियोजन करेंगे और जैसे जैसे वियोजन करेंगे उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ते रहेंगे। तो ये हो गया चार सरल उपाय जिन सरल उपायों से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती है और ये चारों उपाय प्राकृतिक है। पहला हम लोग देखें कि सांस लेने की प्रक्रिया जिसके दौरान हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, शरीरी ग्लूकोज को तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। दूसरी प्रक्रिया था कि ज्वालामुखी के विस्फोट, उसके कारण भी कार्बन डाइऑक्साइड आती है। तीसरी था
प्राकृतिक कारणों से जो जंगल में आग लगती है, जैसे कि सोचिए गर्मी का मौसम के बाद जब बरसात की शुरुआत होती है तो गर्मी के मौसम में जंगल एकदम सूख जाता है, पत्ते सूख जाते हैं, जो मतलब वृक्षों के जो काट रहते हैं, जो लकड़ी रहती है वो भी सूख जाती है। तो थोड़ा सा मतलब आपका लाइटनिंग स्ट्राइक होने से ही उसमें आग लग जाती है। तो उस प्राकृतिक जो जंगल में आग लगने का कारण से भी काफ़ी परिमाण कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में आ जाती है। और चौथी जो प्राकृतिक वियोजन प्रक्रिया है उसके दौरान से भी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में आती है। तो ये तो हो गया आपका प्राकृतिक कारण समूह। अब हम लोग देखेंगे कि मनुष्य द्वारा निर्मित जो कारण, उसको लेके भी हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो देखिए हमारा जो कार्यकलाप है, मनुष्य का जो कार्यकलाप है उसके दौरान भी काफ़ी परिमाण कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में आती है। जैसे हम लोग ये जो मतलब फॉसिल फ्यूल्स जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जीवाश्म जलानी, फॉसिल फ्यूल जिसको हम लोग हिंदी में जीवाश्म जो फ्यूल्स है, जैसे पेट्रोल, कोल, ये सब जो है, इनको जब हम दहन करते हैं फॉसिल फ्यूल्स का, तब भी काफ़ी परिमाण कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। और इसका इस्तेमाल कहाँ होती है, इंडस्ट्रीज़ में होती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोयला को जलाया जाता है, हमारे जो गाड़ियाँ चलते हैं, जो यातायात की व्यवस्था है वो भी तेल या फिर डीजल से चलती है, वो भी जब उसका भी दहन होती है तब भी काफ़ी परिमाण कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में आती है। या फिर आप सोचिए कि कोई भी दहन कार्य, आप कोई भी दहन कार्य करिए, वो कागज़ जलाएं, पत्ते जलाएं, लकड़ी जलाएं, प्लास्टिक जलाएं, कोई भी दहन कार्य करिए, तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में आती है। तो ये हो गया वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो सोर्स, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो सोर्स। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में भर जा रही है तो इसका इस्तेमाल कहाँ होती है। तो याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल दो तरीके से हमारे पृथ्वी में होती है। पहला है समुंदर में काफ़ी परिमाण वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व कर जाती है, घुल जाती है। तो समुंदरों में, दुनिया में जो बड़े बड़े समुंदर हैं उस समुंदरों में काफ़ी परिमाण वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाते हैं। और दूसरी है ग्रीन प्लांट्स, वनस्पति। तो ये जो वनस्पति हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान, हाँ अगर फोटोसिंथेसिस का हिंदी शब्द परिभाषा किसी को मालूम है तो थोड़ा लिख दीजिए, फोटोसिंथेसिस का हिंदी परिभाषा किसी को मालूम है तो आप लोग थोड़ा लिख दीजिए, सब कोई समझ पाएंगे फोटोसिंथेसिस, थोड़ा लिख दीजिए कोई। अच्छा तो दूसरी जो व्यवहार था कार्बन डाइऑक्साइड का, हाँ प्रकाश संश्लेषण, थैंक यू, हाँ प्रकाश संश्लेषण, थैंक यू सो मच। अच्छा तो पहली कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल हम लोग देखे थे कि वायुमंडलीय जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो समुंदरों में, समुंदर के पानी में घुल जाते हैं, काफ़ी परिमाण वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड समुंदरी पानी में घुल जाता है। और दूसरा जो प्रकाश संश्लेषण है या फिर जिसको हम लोग इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उस प्रक्रिया के दौरान जो वनस्पति हैं दुनिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड को शोषण करते हैं और उस शोषित कार्बन डाइऑक्साइड को वो लोग मतलब ग्लूकोज में रूपांतरित करते हैं और एज अ बाई प्रोडक्ट वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिस ऑक्सीजन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो जगहों में कार्बन डाइऑक्साइड की इस्तेमाल होती है। तो बस यही आपको याद रखना है कि कार्बन चक्र क्या है और फिर कार्बन चक्र कैसे काम करती है। तो काम करने का तो तरीका आपको मालूम ही चल गया है कि कोई भी प्राकृतिक उपाय हो या फिर मनुष्य निर्मित उपाय हो जिससे कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को दो तरीके से दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। एक है समुद्री पानी में काफ़ी परिमाण कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है और दूसरी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड की शोषण करके उसे ग्लूकोज में रूपांतरित करते हैं।
तो मतलब कार्बन चक्र एक ऐसी पोषी चक्र है जिसमें हम लोग देखें कि मौलिक जो कार्बन, वो कार्बन डाइऑक्साइड के आकार में, कार्बन डाइऑक्साइड के जौग के रूप में वायुमंडल से जीव के शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर जीव का शरीर में वापस वायुमंडल में लौट जाते हैं। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में आवर्तन पर्यावरण से जीव तक, जीव से वापस पर्यावरण तक, इसे ही हम लोग कहते हैं कार्बन चक्र। ठीक है, अच्छा, तो कार्बन चक्र को लेके कुछ सवाल लिख लीजिए, कार्बन चक्र को लेके कुछ सवाल लिख लीजिए। पहले लिखिए कार्बन चक्र किसे कहते हैं, पहले लिखिए कार्बन चक्र किसे कहते हैं, दूसरी लिखिए, अच्छा आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिए ना, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर इंग्लिश में ही तो क्वेश्चंस आएगा, हाँ तो इंग्लिश में ही क्वेश्चंस लिखिए, हिंदी में आप लोग ट्रांसलेट कर लीजिएगा। हाँ तो व्हाट इज़ कार्बन साइकिल, व्हाट इज़ कार्बन साइकिल, उसके बाद लिखिए एक्सप्लेन EXPLAIN, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द कार्बन साइकिल, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द कार्बन साइकिल, वर्किंग मतलब कार्बन चक्र कैसे काम करती है, सरल भाषा में कार्बन चक्र कैसे काम करती है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द कार्बन साइकिल। तीसरी लिखिए व्हाट आर द वेरियस नेचुरल एंड मैनमेड सोर्सेस, व्हाट आर द वेरियस नेचुरल एंड मैनमेड सोर्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट आर द वेरियस नेचुरल एंड मैनमेड सोर्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका मतलब, इसको हिंदी में हम लोग कैसे समझेंगे, मतलब अगर इस क्वेश्चन का कोई हिंदी में ट्रांसलेट कर सकता है तो ट्रांसलेट करके ग्रुप में लिख दीजिए, अभी चैट बॉक्स में लिख दीजिए। नेचुरल सोर्स मतलब प्राकृतिक सोर्स, प्राकृतिक उत्स, और मैनमेड सोर्स मतलब मनुष्य द्वारा जो निर्मित सोर्सेज हैं उसके बारे में बोला जा रहा है। अगर कोई ट्रांसलेट कर सकता है तो इसको थोड़ा ट्रांसलेट करके चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, सबकी सुविधा हो जाएगी फिर। अच्छा, इसके बाद हम लोग नाइट्रोजन चक्र के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो नाइट्रोजन चक्र कार्बन चक्र से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल है, तो उसको लेके हम लोग थोड़ा आलोचना कर लेते हैं। तो पहले ये समझना है कि नाइट्रोजन किस काम में आती है। तो हमारे जो, हम जो जीव हैं, हाँ वेरी गुड राजा बर्नवाल, थैंक यू। हाँ आप लोग अगर उस क्वेश्चन का हिंदी टर्म्स को थोड़ा जानना चाहते हैं तो राजा ने टाइप कर दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का प्राकृतिक और मानव निर्मित स्रोत क्या है। वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड के प्राकृतिक और मानव निर्मित स्रोत क्या है, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके बाद हम लोग जैसे नाइट्रोजन चक्र के बारे में आलोचना कर रहे थे कि पहला तो ये समझना है कि नाइट्रोजन का जीव देह में प्रयोजन क्या है। तो अगर आप दुनिया का कोई भी जीव देखेंगे, वो प्राणी हो, वनस्पति हो, अनुजीव हो, तो सभी का शरीर, सभी का देह प्रोटीन्स के द्वारा निर्मित होती है। तो कोई भी जीव दुनिया में प्रोटीन्स के द्वारा निर्मित होती है, और ये जो प्रोटीन्स, ये बहुत छोटे छोटे एमिनो एसिड्स के द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, तो जीव का शरीर प्रोटीन्स से निर्मित होती है, और प्रोटीन्स किससे निर्मित होती है, प्रोटीन्स निर्मित होती है एमिनो एसिड्स के द्वारा। इस नाम को आप लोग याद रखिएगा, प्रोटीन्स निर्मित होती है एमिनो एसिड्स के द्वारा। तो अगर आप रसायन के छात्र होते तो, और अगर आप एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर या फिर गठन को देखते
रसायन के छात्र के छात्र होने के नाते तो आप देख पाते तो कोई भी अमीनो एसिड्स के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक पदार्थ है नाइट्रोजन। मतलब नाइट्रोजन जैसे मौलिक पदार्थ को छोड़ के एमिनो एसिड का गठन संभव नहीं है, और अगर एमिनो एसिड्स का गठन संभव नहीं होता तो प्रोटीन्स का निर्माण भी संभव नहीं होता हमारे जीवमंडल में, और फिर अगर प्रोटीन्स का निर्माण संभव नहीं होता तो जीवमंडल में जीव का अस्तित्व ही संभव नहीं होता। तो मतलब हम लोग यही समझ पाएंगे कि नाइट्रोजन हमारे जीवमंडल में जीव की शरीर को निर्माण में सहायता करती है, क्योंकि नाइट्रोजन किसका अंदर रहती है, नाइट्रोजन एक मौलिक पदार्थ के रूप में आपका एमिनो एसिड्स के अंदर रहते हैं, और एमिनो एसिड्स से प्रोटीन्स का निर्माण होती है, और उस प्रोटीन्स से हमारे जीवों की शरीर का निर्माण होती है। और नाइट्रोजन चक्र अगर उसका हम लोग एक डेफिनेशन या फिर संज्ञा का निर्माण करना चाहें तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा गैसीय चक्र है जिस चक्र के दौरान वायुमंडल से नाइट्रोजन जीव के शरीर में प्रवेश करती है और फिर जीव के शरीर से वापस नाइट्रोजन वायुमंडल में लौट जाती है। तो ये जो नाइट्रोजन का आवर्तन वायुमंडल से जीव तक और जीव से फिर वायुमंडल तक, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, नाइट्रोजन चक्र। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन चक्र। लेकिन एक बात याद रखना है कि वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जीव या फिर वनस्पति उद्भिद उत्पादक कोई काम में नहीं लगा सकता है। तो मतलब ये जैसे बाज़ार से अगर जो हम लोग कच्चे सब्जियां जो लेके आते हैं तो वो हम लोग तो खा नहीं पाते हैं, तो उसको पहले उसको पकाना पड़ता है। तो एक ही तरह जो वायुमंडलीय मौलिक नाइट्रोजन है वो हमारे इस्तेमाल के लायक नहीं है, तो पहले उस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा यौगिक में रूपांतरण करना है जिसको हमारे शरीर इस्तेमाल कर सके। और इस जो ये जो प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया के दौरान हम लोग वायुमंडलीय मौलिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के जौगों में, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में रूपांतरण करते हैं, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, जिसको जो हमारे इस्तेमाल के लायक हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर नाइट्रोजन स्थितिकरण या फिर नाइट्रोजन स्थायीकरण। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन स्थितिकरण या फिर नाइट्रोजन स्थायीकरण। तो नाइट्रोजन स्थायीकरण या फिर नाइट्रोजन स्थितिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के दौरान वायुमंडलीय मौलिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट के आकार में रूपांतरित किया जाता है ताकि वो जीव देह में उसका इस्तेमाल हो सके। अच्छा, अब ये जो नाइट्रोजन स्थितिकरण या फिर नाइट्रोजन स्थायीकरण का प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया तरह तरीके से हो सकती है। कैसे, पहले हम लोग देखेंगे कि नाइट्रोजन स्थायीकरण का जो प्रक्रिया है वो एटमॉस्फेयर में या फिर वायुमंडल में हो सकती है, वो एटमॉस्फेयर में या फिर वायुमंडल में हो सकती है। कैसे, जब भी लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, जब भी लाइटनिंग स्ट्राइक होती है मतलब जैसे जब बिजली कड़कती है, आप लोग देखे होंगे कि जब बिजली कड़कती है आसमान में जो फ्लैश होती है तो उसमें काफ़ी परिमाण एनर्जी, काफ़ी परिमाण ऊर्जा रहती है, तो उस ऊर्जा को इस्तेमाल करके वायुमंडलीय उपस्थित नाइट्रोजन और वायुमंडलीय उपस्थित ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ विक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार करती है। तो ये है पहला माध्यम जिस माध्यम से नाइट्रोजन की स्थितिकरण प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो नाइट्रोजन स्थितिकरण प्रक्रिया का पहला माध्यम क्या था, बिजली की कड़कना। जब भी बिजली कड़कती है वो फ्लैश होती है, तभी उस विपुल ऊर्जा को इस्तेमाल करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड निर्माण करती है। दूसरी तरीका ये होता है कि जब भी सोचिए ये जो
आपका जो हम लोग जो फॉसिल फ्यूल्स हैं हाँ मतलब जब तेल जलाते हैं एक्सेट्रा, तो उससे भी काफ़ी परिमाण नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड समूह हैं वो ऑक्साइड समूह वायुमंडल में उसका निर्गमन हो जाती है। तो ये भी एक प्रक्रिया है जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर नाइट्रोजन स्थितिकरण होती है। मतलब नाइट्रोजन को मौलिक आकार से एक जॉग में एक कंपाउंड में रूपांतरण करना है, तो वो प्राकृतिक हो सकती है या फिर वो मनुष्य द्वारा निर्मित होती है हो सकती है। तीसरी जो प्रक्रिया अवश्य हो सकती है कि जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं हाँ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जैसे कि आपका राइजोबियम बैक्टीरिया है, क्लॉस्ट्रिडियम है, साइनोबैक्टीरिया है, तो ये सब जो मतलब आपका माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं ये मिट्टी में या फिर ज़मीन में उपस्थित हैं, और ये कुछ पेड़ ये कुछ वनस्पति जैसे आप जिसको हम लोग इंग्लिश में लेगुमिनस प्लांट्स कहते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में लेगुमिनस प्लांट्स कहते हैं हाँ, तो ये उनके साथ सहजीवी हैं मतलब सिम्बायोटिक हैं। तो और ये जो नाइट्रीकरण जीवाणु ये कुछ फलीदार मतलब जो वनस्पति हैं उनकी मूल ग्रंथिकाओं में रहते हैं, ये उनकी मूल ग्रंथिकाओं में रहते हैं जैसे राइजोबियम। तो राइजोबियम कुछ लेगुमिनस प्लांट्स या फिर जो फलीदार वनस्पति हैं उनकी मूल ग्रंथियाओं में एक मूल ग्रंथियाओं में सहजीवी के आकार में रहते हैं। कि जैसे सोचिए जिसके उदाहरण हम लोग अभी दिए हैं कि आपका राइजोबियम बैक्टीरिया, और ये जो फलीदार जो वनस्पति हैं इसका उदाहरण हो सकते हैं आपका कि सोचिए जैसे मटर, फिर आपका अल्फा अल्फा जो ग्रास है, ये सब जो लेगुमिनस प्लांट्स हैं इनके मूल में ये रहते हैं, और ये मिट्टी में उपस्थित जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं इन कंपाउंड्स को नाइट्रोजन के जो जौग पदार्थ हैं इन कंपाउंड्स को उस वनस्पति को उपलब्ध कराते हैं। क्योंकि वनस्पति का समस्या यही है कि वो मिट्टी से इस कंपाउंड्स को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, नहीं मतलब इसके शोषण नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया हैं जो इसके मूल ग्रंथिकाओं में रहते हैं ये उस मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को वनस्पति को उपलब्ध कराएंगे। और ये जो नाइट्रोजन चक्र है इसका मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं, इनके बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो इनको लेके हम लोग अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। इस आलोचना को थोड़ा और मतलब डिटेल्स में जाना होगा, नाइट्रोजन साइकिल एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज के क्लास में हम लोग यही रुकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट्स है तो थोड़ा पूछ लीजिए, अगले क्लास में हम लोग फिर नाइट्रोजन साइकिल को कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई डाउट्स है तो पूछिए। किसी को कोई डाउट्स है तो पूछिए। अच्छा, अगर डाउट्स नहीं है तो ठीक है। अच्छा, आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा हुआ, ऑनलाइन एग्ज़ाम ठीक ठाक गया कि नहीं? सबको 10 में 10 तो मिलना चाहिए, ठीक ठाक नहीं गया? क्यों ठीक क्यों नहीं गया? एक जन लिखा ठीक नहीं गया, सब सजेशंस दे दिया गया था फिर भी ठीक क्यों नहीं गया? सबको तो 10 में 10 ही मिलना चाहिए। 10 में 9 मिल जाएगा, वेरी गुड। अच्छा, लेकिन ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको 1-2 मिला है, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको 1-2 मिला है। तो इतना हेल्प होने का बाद भी अगर 1-2 मिलता है तो आप लोग यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम में कैसे लिखिएगा? ये तो सोचिए कि आपको मतलब सिर्फ 2 चैप्टर्स थे और सारे क्वेश्चंस का जो मतलब जो संभव जो प्रश्न थे वो भी हम लोग आलोचना कर चुके थे, हम यूट्यूब में छोड़ भी दिए थे। हाँ हाँ, सबमिट करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि बहुत सारे एक साथ में काम कर रहे थे, वो थोड़ा बहुत हैंगिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 1, 2, 3 ऐसे भी मार्क्स मिला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो वो देख के हमको थोड़ा मतलब सरप्राइज़ हुआ कि इतना बोल देने का बाद भी कैसे 1, 2, 3 मिलते, मतलब वो लोग ना ही क्लास करते हैं और ना ही वो लोग
हम लोग का जो यूट्यूब का चैनल है उससे कोई लेक्चर्स को सुनते हैं, तो जो एकदम डिटैच रहेगा क्लास से, मार्क्स तो मिल ही गया सबको, मार्क्स दिखाया नहीं जाएगा, इंटरनल का मार्क्स दिखाया नहीं जाता है, आपको तो खुद ही मालूम चल गया होगा कि आपको कितना मार्क्स मिला है। सभी प्रश्नों का तो उत्तर यूट्यूब का वीडियो में था, उसको फिर से सुन लीजिए। जो जो आपका रिस्पांस है, हाँ जो आपका रिस्पांस है वो रिस्पांस आप मिला लीजिए, बस आपको मालूम चल जाएगा। तो लेकिन जो लोग एकदम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो एकदम एक भी क्लास नहीं करते हैं और ना ही यूट्यूब में लेक्चर सुनते हैं, उसका लेकिन दिक्कत होगा, वो हम कह सकते हैं एग्ज़ाम में काफ़ी दिक्कत में गिरेंगे। तो आप अपने दोस्तों को समझाइए कि गूगल मीट में ठीक है 100 से ज़्यादा क्लास नहीं कर पाते हैं तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूट्यूब का चैनल को तो कोई ना कोई आप सुन सकते हैं ना, दिन का कोई समय में आप सुन सकते हैं, हाँ दिन का कोई समय में आप सुन सकते हैं, लेकिन उसमें वो सुनने का भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हेल्प करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर क्लास कीजिए जहाँ संभव है, और जिनको संभव नहीं है, हाँ जिसको संभव नहीं है वो यूट्यूब से क्लास कीजिए। हाँ ठीक है, तो इसी के साथ हम क्लास को यहाँ ख़त्म करते हैं, फिर अगले संडे आप सबसे मुलाकात होगी। ओके, गुड बाय, दिन बाय।